तो दोस्तों इतने की बचत हुई है इस ट्रिप में, आप लोगों को पता चल गया होगा खर्चा क्या बैठा और कितने की बचत हुई वो। लो जी गाइस लग गए है आज तो, है ना, खा रहे हैं दाल बाटी, देख रहे हो बाटी है इधर, छाछ ये है दाल, और इधर शायद अचार है मिर्ची। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आई होप अपने अपने जिंदगी में आप लोग भी खुश होंगे, बाकी हम भी भाई मस्त है। तो करते भाई आज वाला ब्लॉग स्टार्ट। तो जैसे कि पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गाड़ी भरकर अपनी मिर्च लोड कर वापी गुजरात के लिए आया था, तो गाड़ी वाड़ी अपनी खाली हो गई, गाड़ी ये रही और मंडी के बाहर ही खड़े भाई, सब्जी मंडी ये रही वापी वाली और गाड़ी अपनी ये रही दोस्तों, देख सकते हो। बाकी अपना लोडिंग का कंफर्म हो गया है, तो लोडिंग करने के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। और अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल में पहली बार आ रहे हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें और Instagram पर जाकर भी फॉलो कर दे, ID और YouTube का दोनों का सेम ही नाम है, Instagram और YouTube का। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ से है ना 10-15 किलोमीटर आगे ही समुद्र है भाई। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल में निकलते हैं, गाड़ी अपनी स्टार्ट कर ली, प्रेशर व्रेशर भर जाए, उसके बाद में निकलते हैं अपनी गाड़ी लोड करने के लिए। फाइनली गाइस आ चुके थे हम लोग जहाँ अपनी गाड़ी लोड करना था, तो लोडिंग भी लगभग हो ही चुकी है, बस थोड़ी सी गाड़ी अपनी लोडिंग होना बाकी है। देख सकते हो इतना सा माल आया, परचून भर रहे भाई इंदौर का, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को चलते पीछे। बस लगभग एक छल्ली और लगना है। लोड हो चुकी है अपनी गाड़ी और रस्सा तिरपाल भी हमने कर लिया, अभी जस्ट मैंने हाथ मुंह धोए हैं, बस अब पेपर लेते हैं उसके बाद में निकलते हैं दोस्तों। तो आज है ना बहुत जल्दी गाड़ी भर गई अपनी, ऐसे रस्सा तिरपाल किया हमने, देख सकते हो तीन तीन हुप में, एक एक हुप छोड़ के तीन तीन हुप में रस्सा मार लिया। और हाइट तो कुछ भी नहीं है, बस 1.5 फीट ऊपर हाइट है, आगे तो 1 ही फीट है। तो चलते हैं पेपर वेपर लेते हैं दोस्तों। हो गया सर पेपर? हो गए, लाइए फिर पेपर दीजिए। कितने? 300 रुपये बिल्टी के। ठीक है देता हूँ, 300 रुपये सर को दे दिए बिल्टी के। लाइए सर मेरी बिल्टी दे दीजिए, ये आ गई अपनी बिल्टी और भाड़ा पर्ची। डीजल डाल लेते हैं यार, क्योंकि अब है ना डीजल भी अपना एंडिंग पे है। डल चुका है दोस्तों गाड़ी में डीजल, 10,005 रुपए का डलाया मैंने, 107.42 लीटर, मतलब 107 लीटर डीजल आया है। और पुराना डीजल था अपनी गाड़ी में 3 इंची, देख रहे हो ये 3 इंची मैंने मापा था ना, 2 इंची में गाड़ी एयर ले लेती है। आईसर 30-15, 11-10 या 30-16 कोई सी भी गाड़ी हो, अगर इस टाइप की टंकी हो ना 2 इंची में आपकी गाड़ी एयर ले लेगी। तो अभी 3 इंची था, 50 किलोमीटर और चल जाती अपनी गाड़ी, और हर एक इंची पे है ना 10 लीटर डीजल होता है इस वाली टंकी में। वापिस से इंदौर पड़ेगा 600 किलोमीटर और 107 लीटर डीजल आया ना, तो 6.5 का एवरेज देगी गाड़ी, इतने में 107 लीटर में पहुंच जाएगी गाड़ी। यहाँ से जीरो कर देता हूँ इसको मैं किलोमीटर, सेट रिसेट में जाओ, फ्यूल डेटा क्या लिखा है, रिसेट फ्यूल डेटा है, इसको ओके करो, 2 सेकंड दबा के रखो, जीरो हो जाएगा, एवरेज भी पता चल जाएगा और किलोमीटर कितनी चली वो भी पता चल जाएगा। हो गया जीरो, ये देखो ये एवरेज का, ये गुट का है और ये ट्रिप का किलोमीटर आएगा। चलो गाइस दबाते हैं गाड़ी, क्योंकि लग रही है भाई भूख, और 24 घंटे पूरे हो गए भाई खाना खाए हुए, कल इस टाइम पे खाए थे हम खाना और आज खाएंगे इस टाइम पे 24 घंटे। वो तो अच्छा हुआ कि सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था हमने,
लो जी गाइस लग गए है आज तो है ना खा रहे है दाल बाटी देख रहे हो बाटी है इधर छाछ ये है दाल और इधर शायद अचार है मिर्ची नींबू और प्याज चलो दोस्तों खाते हैं खाना हो गया दोस्तों खाना वाना और बिल भी बता देते आप लोगों को आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि भाई बिल भी बताया करो खाने का तो बिल जो है हमारा 240 रुपए दो थाली के तो ये लग गए 120 रुपए थाली के हिसाब से और 40 रुपए ये घी के है दो घी के पैकेट लिए थे हमने ऐसे करके 280 रुपए बने भाई और बाटी कितनी भी लो आपको पेट भर के खाना है दाल भी मिल जाएगी और इसके साथ में एक छाछ भी फ्री थी एक एक गिलास छाछ फ्री थी तो लगभग ठीक ही लिया खाने का बिल जो है और मैंने तीन बाटी खाई और फूफा जी कितनी बाटी खाए पांच बाटी खाई मैंने तो दबा के दे दी बत्ती आज आज दबा के दे दी भूख भी लग रही 24 घंटे हो गए खाना खाए क्यों ये टाइम पे खाए थे कल खाए कल ये टाइम पे खाना खाए थे जब हम घर से टिफिन लेके आए थे और मिर्ची लोड कर रहे थे ना तो पीछे वाले ब्लॉग जो भाई ने देखा होगा ना उनको तो पता ही होगा हमने खाना वाना खाया था वो भी बताया था टाइम भी बताया था चलो कोई नहीं दोस्तों निकलते हैं यहाँ से फिलहाल में गाइस पहुंचे हैं लकड़ी नाका और थोड़ी सी आलसी आ रही तो चाय वाय पी लेते हैं और बाकी टायर टप्पे भी अपने चेक कर लेते हैं यहाँ पे भाई के यहाँ रोकी है भाई की शॉप है चाय पियेंगे पहले अपने टायर चेक कर लेते हैं भाई होप कहाँ गया इसका होप शायद उस साइड में है देखते हैं कौन सा होटल है न्यू अपना होटल हाँ ठीक है अभी ठीक है टायर चेक करते भाई पहले जब से निकले ना तब से कहीं रुके भी नहीं और चल ही रहे थे बस कुंडी निकाल लिया टायर टप्पे भी चेक करते पत्थर वगैरह गिट्टी वगैरह सब निकालते हैं और टायर ऐसे बजना चाहिए सुनना टनाटन अगला टायर चेक कर लेते हैं गिट्टी लग जाती ना फिर पंचर वंचर हो जाते इससे अच्छा पहले चेक कर लो रास्ते में छाछ मारी करने से मतलब क्या है देखो एक गिट्टी ये लगी है ना लग गए अपनी चाय तो चलो चाय पीते हैं अपनी गाड़ी में इधर से मिर्ची लोड करके गए थे ना दोस्तों तो ये मोबाइल है ना अपने एक हेमाल भाई है उनका है ना मोबाइल चला गया था वापी और वापी से वापस घूम के आ रहा है ये मोबाइल तो फूटा भी नहीं मोबाइल भी अच्छा निकला भाई ये तो माल में जाता ना तो मोबाइल फूट जाता डिस्प्ले चले जाती पर बच गया तो भाई को वापस दे देते हैं वहाँ पे माल खाली करे ना तो निकला ये माल में और भाई का फोन भी आया था मेरे पास लो भैया मोबाइल थैंक यू मिर्ची वाला सेठ जी है ना उन्होंने चाय वाय पिलाई और बस चाय वाय पी के निकला हूँ यहाँ से मोबाइल दे दिया भाई उनका तो वो जो हेमाल बेचारा था यार उनका मोबाइल था और पीछे माल वाल जमाने के लिए माल वाल भरने के लिए चढ़े थे वो तो जेब में से मोबाइल गिर गया था उनका तो मोबाइल वापिस चले गया और वापिस से वापस घूम के यहाँ तक आ गया भाई देख रहे हो फिर भी है ना जाने में फूटा नहीं मोबाइल नहीं तो डिस्प्ले वगैरह कुछ भी जा सकती थी लेकिन गरीब का मोबाइल है भाई बहुत मेहनत के पैसे का है वो तो इसीलिए ऊपर वाला फूटने नहीं दिया भाई उसके मोबाइल को चलो कोई नहीं भाई को दे दिया मोबाइल और हम लोग भी निकल गए अभी आराम से धीरे धीरे हाँ इसी में लगा लीजिए बस पहुंचे हैं बालसमंद बॉर्डर मतलब सेंधवा बॉर्डर और टाइम जो हो रहा है देख सकते हो 2:30 बज गए हैं और हमारी शिफ्ट चेंज हो गई अभी मैं घर पे थोड़ी देर के लिए रुका था बच्चे के लिए कुछ खाना वगैरह लाया था फल फ्रूट जो घर पे दिए और वो सीधे निकल के आ गए क्योंकि टाइम से आ गए भाई तो गाड़ी इंदौर खाली करने चले जाते हैं
नहीं तो कभी लेट हो जाते ना, हम लोग दिन में आते ना तो घर पे रुक जाते, क्योंकि भाई इंदौर जाके कोई मतलब नहीं। जाते जाते अगर समझ लीजिए आप 2 बज गई तो फिर गाड़ी खाली नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी लगी होती है लोडिंग होने के लिए, अनलोडिंग होने के लिए। तो अभी टाइम से आगे तो इंदौर सीधे निकल जाएंगे गाड़ी खाली करने। और फूफा जी चला रहे हैं अभी गड्डी, अपनी गाड़ी सबसे लास्ट में लगी हुई है और लाइन लगी भाई लंबी। वैसे तो आज कम ही है जाम, इधर लगाएंगे ना तो यहाँ पे सिंगल कांटा चालू है, ये जो गाड़ी जा रही है यहाँ पे, और ये वाली लाइन में है ना आगे जाके 3 कांटे हो जाते हैं। अभी ये सीधी एक लाइन सीधी है, आगे जाके 3 कांटे चालू रहते हैं, तो ये वाली लाइन जल्दी बढ़ती है, इसीलिए हम लास्ट में लगाते। कांटे पे लगा ली है गाड़ी, अब कांटा पर्ची लेते। कांटा हो गया, सील भी लगा ली है पर्ची पे। और ये जो बॉर्डर है ना, लूटने का काम करते हैं बाहर की गाड़ियों वालों को, हमको तो कहीं नहीं लगता है कोई एंट्री। ये साइकिल जैसी सील लगा दी, और अपनी तो लोकल की गाड़ी है तो एंट्री कहीं नहीं लगती, लेकिन बाहर की जो गाड़ियां है ना उनको लूटने का काम करते है भाई मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले, और एंट्री बहुत लेते भाई यहाँ पे, बहुत परेशान करते गाड़ी वालों को, क्या ही बोले। बाकी एक भाई की गाड़ी थी, उसका ऑनलाइन परमिट था और वो ऑनलाइन परमिट नहीं मान रहे थे मालूम है, तो फोटो कॉपी निकाल के लाए वो भी नहीं मान रहे। पूरे कागज ओरिजिनल लेके आना आपकी गाड़ी जब भी मध्य प्रदेश बॉर्डर से गुजरने से पहले, नहीं तो पता है चालान बना देंगे। अभी वो गाड़ी वाले का परमिट होते सोते है ना उसका चालान बना दिया बेचारे का। और फूफा जी सो लिए थे, आराम कर लिए थे, और अब मेरी बारी है, फूफा जी चलाएंगे गाड़ी, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, अब नींद भी आने लग गई है। और ठीक है गाइस, मिलता हूँ आप लोगों को एक थोड़ी देर बाद। पूरा कीचड़, पूरी गाड़ी गंदी हो जाएगी, जान दो धीरे, आराम से। बड़ी मुश्किल से इस टूटे फूटे खटारा रोड से लेकर के आए है गाड़ी, इतनी सारी गाड़ियां भरने के लिए यहाँ पे आती है, फिर भी रोड सही नहीं करते यार। बारिश में तो बहुत बुरे हाल होते हैं, अभी भी देखा ना आप लोगों ने, भयंकर खराब था रोड, और बारिश में तो बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो चुकी भाई सुबह, और हम लोग भी पहुंच चुके है जहाँ अपनी गाड़ी लगाना था भाई खाली करने के लिए। ये रहा पीछे गोडाउन, यहीं पे गाड़ी अपनी लगा ली है, ये रही। अभी तो गोडाउन बंद ही है और गाड़ियां काफी सारी लगी हुई है, उधर बाहर भी खड़ी है 3-4 गाड़ी, और ये रही अपनी 4थी 5वीं गाड़ी, एक गाड़ी इधर भी है। और ये गाड़ी देख रहे हो महिंद्रा कंपनी की गाड़ी है, महिंद्रा फ्यूरो 16। गाड़ी वाड़ी तो बेस्ट है, ये भी 11 टन पास करती है, पर क्या है इस गाड़ी में है ना पार्ट से नहीं मिलता, वही प्रॉब्लम है, नहीं तो गाड़ी महिंद्रा ने अच्छी बनाई है। ये रही अपनी गाड़ी, बस अभी गोडाउन खुलेगा थोड़ी देर बाद, उसके बाद में अपनी गाड़ी भी रस्सा तिरपाल हटाएंगे भाई और खाली होगी अपनी गाड़ी। कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है देखते हैं, अभी मैंने मीटर भी नहीं देखा, बस मैं अभी इंदौर आके उठा हूँ, सेनवा बॉर्डर पार करके सो गया था और फूफा जी चला रहे थे, तो देखते हैं मीटर में कितनी चल गई है गाड़ी। करते हैं स्विच ऑन, एक मिनट मैसेज आ रहा है मेंटेनेंस का, 548 किलोमीटर गाड़ी चली है, देख रहे हो। वहां पे 0 किया था मैंने, जहां गाड़ी लोडिंग किए थे ना, डीजल डाले थे वहां पे, मतलब 550 किलोमीटर वापी से इंदौर बैठा है भाई, 5.5 का एवरेज दिया है, 76% गुड चलाई है, 100 में से 76%, 5.5 का एवरेज दी गाड़ी, 550 किलोमीटर चली, मतलब 100 लीटर डीजल, और मैंने डाला था 10,000 का डीजल, 107 लीटर आया था, तो उसी डीजल में गाड़ी आ गई, 10,000 का डीजल यहाँ तक लिया है गाड़ी ने। देखो सबसे पहले हमने डीजल डाला है, 500 रूपये ट्रांसपोर्ट कमीशन हो गया, और 1,000 रूपये लोडिंग अनलोडिंग भराई और खाली कराई हो जाएगी, 500 रूपये खाना खर्चा और बॉर्डर का खर्चा हो गया, और 2,000 रूपये टोल टैक्स करा था मैंने फास्टैग से, फास्टैग में है ना, और 500 रूपये फूफा जी के ट्रिप के देना पड़ेगा, वो हो गए, 1,000 रूपये पगार हो जाएगी फूफा जी की, ऐसे करके 15,500 रूपये
आने का खर्चा हुआ है और भाड़ा लगा है 27,000 रुपए 11 टन का। 11 टन वजन अपनी गाड़ी में, 27,000 रुपए भाड़ा लगा है। इस बार अच्छा भाड़ा लग गया, 11 टन वजन भी आ गया था, नहीं तो कम ही लगता हर बार। और बस माइनस कर लो 15,000 खर्चा, 15,500 में से 27,000, तो 11,500 रुपए आने के बचे। मतलब इस बार है ना भाड़ा भी अच्छा लग गया और 11 टन वजन आया, तो भाड़ा अच्छा लग गया और 11,500 रुपए बचत हो गई। हर बार है ना दोस्तों इतने बचत नहीं होती, बस इतने बचत होते आने में 8,000 रुपए या फिर 7,000 की बचत होती थी, है ना। इस बार है ना भाड़ा अच्छा लग गया। हर बार जब हम आते थे ना उधर से तो 23,000 24,000 23,000 इतना ही भाड़ा लगता था, लेकिन इस बार है ना थोड़ा सा टाइट भाड़ा लग गया, तो 11,500 रुपए बचत हो गई आने में। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ठोक देना। जिन भाइयों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों यारों में वीडियो को शेयर भी कर दिया करे दोस्तों, है ना। और गाड़ी अपनी अभी थोड़ी देर बाद गोडाउन खुल जाएगा, ऑफिस वगैरह, तो गाड़ी खाली हो जाएगी। और इसी के साथ में दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड और मिलते हैं एक अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपनी जिंदगी में आप लोग भी खुश रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।